सुदेश महतो जी आजसू के सुप्रीमो हमारे साथ हैं। सुदेश जी, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़, आजसू अभी यही कर रही है, एक पार्टी से दूसरे में, दूसरे पार्टी से इधर, सब लोग ऐसा कर रहे हैं। पहले आप एक पुलिस वाले को शामिल करवाते हैं, अब एक आर्मी वाले और शिक्षाविद को शामिल करवाते हैं, अपनी अलग मंजिल है, अपनी अलग दौड़। नहीं, ये एक अच्छा है, कंसेंस, लोग जो लोग में बेहतर राजनीति की समझ हो, ऐसे लोगों का जुटान, ऐसे लोगों का सहयोग, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो पार्टी की धार होगी, जो पार्टी का संगठन का जो हमारा स्तर होगा, वो उसको ऊंचा करने में निश्चित मदद करेंगे। सर, एक सवाल मेरा ये है कि सुदेश महतो जो आज से 5 साल पहले सोच रहे थे, बाकी पार्टियां आज सोच रही है, चूल्हा प्रमुख, महिलाओं को प्राथमिकता, सामाजिक न्याय, ये सब मुद्दे आप 5 साल पहले मतलब उठा चुके हैं और उस समय आपकी राजनीति इसको लेकर के थी, आज बाकी पार्टियां उधर जा रही है, तो सुदेश महतो आगे चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आगे? देखो, इनको जब इनको इनके लिए कोई नुकसान होता है तो उस वर्ग को ये लोग ढूंढने लगते हैं। मेरा है कि ओवरऑल सभी वर्गों के लिए कल्पनाएं बड़ा स्पष्ट है, और उसके लिए जब हम कल्पना करते हैं, मैं उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए शोध हमारा चलता है, तो हम निश्चित रूप से उसको कार्यक्रम में बदल देते हैं। ये कार्यक्रम में नहीं बदलते, इनका हर चीज़ वोट के आधार पर होता है, नफा नुकसान के आधार पर होता है। जो दल या जो राजनेता मात्र नफा नुकसान के आधार पर और दल के आधार पर केवल सोचना प्रारंभ करेगा, वो राजनेता नहीं हो सकते हैं, वो राज्य को लीड नहीं कर सकते हैं। MP MLA आएंगे, गणित के आधार पर आएंगे, बनेंगे, बन सकते हैं, वो मापदंड नहीं होगा कि वो राज्यव्यापी सोच का। इसलिए राज्यव्यापी सोच के लिए आपको इस समाज के अंदर के हर वर्ग को सामने लाना पड़ेगा, उनकी सोच को समाहित करना पड़ेगा, उसके नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा और फिर एक राज्य को सजाना पड़ेगा। अच्छा सर, झारखंड की राजनीति बदल रही है, एक चीज़ मैंने देखी कि जो नए नेता उभर रहे हैं उनकी राजनीति को जब नज़दीक से देखेंगे तो साफ दिखता है कि वो BJP को नुकसान पहुँचाए ना पहुँचाए, JMM को नुकसान पहुँचाए ना पहुँचाए, वो सुदेश महतो को नुकसान पहुँचाएंगे, वो आजसू को नुकसान पहुँचाएंगे, उनसे टैकल करने के लिए क्या तैयारी? देखो, इस तरह का वातावरण बनते रहा है, जब भी कोई राजनीति मजबूत होने जा सामने आता है, चुनौतियां जब मजबूती सामने आएंगी तो षड्यंत्र भी चलता है, तो कई दल आने वाले भविष्य का इस बात का गणित, वोट के गणित का आकलन कर रहे हैं, उस रूप से सोचते हैं, सोच सकते हैं, लोगों को आगे कर सकते हैं, लेकिन परिणाम जो होना है वो मन में, मानसिकता में लोगों की है, और लोग दूरदर्शी हैं, काफ़ी 20-22-24 साल में जो अभाव झेला है नेतृत्व का, आज उसकी तलाश है हर जगह पर। मैं बार बार कहता हूं कि राज्य के अंदर में कोई राजनीतिक दल तो हैं, बहुमत भी तो आया, लेकिन जो कमी रह गई वो नेतृत्व का, लीडरशिप का, और कहीं ना कहीं उसी का दंश प्रदेश झेल रहा है। एक और सवाल सर, ED मुख्यमंत्री दिल्ली में गिरफ्तार हो रहे हैं, झारखंड में इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार हुए, सब चीज़ हम देख रहे हैं, अभी लगातार ED की छापेमारी चल रही है, तो इन सब का कितना इम्पैक्ट होगा? कम से कम एक बात तो है, सुदेश महतो पर आज तक इस तरीके का आरोप कोई नहीं लगा सकता कि सुदेश महतो ने भ्रष्टाचार किया, ईमानदार राजनीति का उदाहरण तो आप साबित करते रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। देखो, ये चुनौती के लिए लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से व्याख्यान अलग अलग होंगे, जब इस तरह से घटनाएं होंगी, कोई एजेंसी सामने आएगा, सो सत्तारूढ़ दल के ऊपर आरोप लगे हैं, पहले भी लगे हैं, आगे भी लगेंगे, लेकिन सवाल है, मैं अभी जो बता रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर इसके समय पर कोई सवाल उठा रहा है कि अभी नहीं होना चाहिए था, इसके तरीके पर कोई सवाल उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि इन दलों को बैठकर एक कानून बनाना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व में काम करने वाले लोगों को कोई भी करप्शन के चार्ज नहीं लग सकते हैं, ऐसे नियम ये बना दे, और नियम बना के फिर उसको आगे लेके जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होएगा। तो अगर ये इतने साहस और हिम्मत कर सकते हैं तो ये काम को करना चाहिए, अन्यथा जो काम हो रहा है या जो चीज़ें चल रही है उसको पॉलिटिकल एंगल से देखें और विचार रख सकते हैं, लेकिन एक बड़ा बहस देश भर के अंदर में ये चलेगा कि आने वाले समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पूरा संविधानिक हमारा देश है, और उस संविधान में कॉमन लोगों के लिए इतना जगह बनाया हुआ है, अगर इस तरह से है और उसको नेतृत्व करने वाला वो राजशाही नहीं हो सकता है, वो नेतृत्व करने वाला भी उतना ही कॉमन होना चाहिए ताकि वो बेहतर रूप से लोगों की जनाकांक्षाओं को पूरा कर सके और ऐसे आचरण से खुद को बचा सके। शुक्रिया। देखिए, सुदेश महतो जी हमारे साथ थे, बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी इधर शोर हो रहा था, आगे में हमारे पत्रकार बंधु खड़े थे, सुदेश महतो मंच से खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अपना ऑप्शन अब खुद बनिए, और यहीं से आजसू का मंत्र आपको पता चल जाता है कि भाई आने वाले समय में आजसू का मंत्र यही है, वो झारखंड के लोगों को अपना ऑप्शन खुद तैयार करने का उदाहरण दे रहे हैं। सुदेश महतो से हर मुद्दे पर हमने बात की, हर मुद्दे पर उन्होंने बेबाक जवाब दिए। पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, TV 45 रांची।